गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान परिषद के तत्वावधान में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत हुई स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिताओं का निर्णय हुआ। छात्राओं को संबोधित करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने बताया कि भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 मनाने का निर्णय लिया गया, जिसका विषय है हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा। 1957 में स्थापित इस सप्ताह का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शैक्षिकी कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता और राष्ट्रीय उद्यानों में भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करना है। युवा पीढ़ी को वन्य जीवों के बारे में शिक्षित करना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे कल के संरक्षक हैं और वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। शुरुआत में वन्यजीव दिवस 1955 में मनाया गया था। निबंध प्रतियोगिता का निर्णय प्रो सीमा अग्रवाल एवं डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डॉक्टर रेणु शर्मा एवं डॉक्टर सविता अग्रवाल ने किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में जंतु विज्ञान प्रवक्ता गुलबहार का विशेष सहयोग रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमें देना चाहते हैं कि हमारी छात्राएं, उनमें नॉलेज तो है, वो कर तो सकती हैं, अच्छी भी प्रतिभा है, लेकिन वो आगे आने में संकोच करती हैं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनके अंदर अच्छी भी प्रतिभाओं को पहचान कर उनका सही मार्गदर्शन करें। थैंक यू।